हेलो फ्रेंड्स, मु गौतम। आपण देखुंत ऑल इन एजुकेशन चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को निश्चित प्रेस करूँ लेटेस्ट वीडियोस अपडेट पाइबा। फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन टू योर फेवरेट चैनल ऑल इन एजुकेशन बॉर्न टू एजुकेट को। फ्रेंड्स आपण मैंने देखुवे कि जानते एनएसपी लास्ट जो आप रही 31/10/2020 रही मीनस आपण हाथ में मात्र आउ 9-10 दिन समय रही। तेणु मुझक ये भिडियो मध्यम कहबी जे केमी जड़े पिला आपण स्कूल जी आप्लाय करपर एनएसपी देखूँ। एनएसपी की आप जापर जे एनएसपी बाबद अगर किसी कौन डाटा सब रही। चलतु आरंभ करवा भिडियो जे केमी जड़े पिला आप एनएसपी आप्लाय कर तार स्टेप बै स्टेप प्रोसेस आपको मुझे पूरा डिटेल्स कहबी। देखो गूगल क्रोम को जातु, गूगल क्रोम गलापर आप सर्च करेंगे कैपिटल लेटर सर्च करूँ कि स्मॉल लेटर कले भी चलो एनएसपी बोली सर्च करूँ। सर्च कलापर आपको ये एक इंटरफेस आसीज एटी आप फास्ट ऑप्शन देखिपे कि scholarship.gov.in वेबसाइट रही है। scholarship.gov.in आप क्लिक करनी क्लिक कलापर तक ऑफिशियली वेबसाइट आपने देखिपारे। एटी आप देखिपे कि न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन रही आपंकर स्कूल लॉगिन आप इंस्टीट्यूट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आप जो स्कूल लॉगिन रही न्यू रजिस्ट्रेशन जो रही है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूँ। क्लिक कलापर आपको ये इंटरफेस शो कर आप गाइडलाइन रोज आपत कौन रजिस्ट्रेशन करेंगे कौन कौन डॉक्यूमेंट सब दरकार आपको ये बाबदर मुझे ऑलरेडी वीडियो छाड़ी जहाँ कि आप प्लेलीस्ट चेक करेंगे किंवा आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पाइबे। आप कौन करेंगे ना ये आसपा आप सभा तौक पलांतु तले आप देखिपे तीनो बक्स रही जहाँकि आपंकर टर्म एंड कंडीशन नियम और सर्तावली पर्यवेक्षित ताकूँ कौन कर क्लिक कर दिंतु। क्लिक कलापर आप तले देखिपे कि कंटिन्यू ऑप्शन आपको शो कर ग्रीन बैकग्राउंड व्हाइट कलर ताकूँ कौन करूँ ना क्लिक करनी। क्लिक कलापर आपको फर्म टी आप स्क्रीन में देखा आप गोटे पर गोटे क्लिक फिलअप करनी जमीक आपंकर स्टेट डोमिसाइल रहा आपंकर स्कॉलरशिप कैटेगरी रहा जदि आपंकर मैट्रिक तले थी मीनस दशम रु कम होता है प्री मैट्रिक देते जदि दशम रु अधिक पढ़ते आप पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास और एमसीएम दे पारे। आपंकर जो सिस्टम टी रही देखुवे मुझे प्री मैट्रिक करी स्टूडेंटर नाम आप एंट्री करेंगे मुझे ये स्टूडेंटर नेम दूसरी ओके आपड़ी आपज स्टूडेंटर ना देपारे कि जो पिला अप्लाई करने चाहिए से पिला अप्लाई करेंगे। चूज योर ऑप्शन आपंकर स्कॉलरशिप स्कीम करी आउ गोटे आपड़ ऑप्शन देखते हैं इनसेंटिव स्कीम। इनसेंटिव स्कीम टी आपंकर गर्ल्स मानक दि जाए जहाँकि आपंकर 9th और 10th पाई उद्दिष्ट थाए। तापर आम जब जाम स्कॉलरशिप चूज करापर आप डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपंकर जहाँ रही है ही आप पुट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज कला आप जेंडर देखिपे जेंडर आप कौन करेंगे ना पुह होते फिमेल मेल करेंगे झील होते फिमेल करेंगे। तापर आप मोबाइल नंबर देते मोबाइल नंबर आप जहाँ रही है से ही इनपुट करेंगे। तापर आप देते इमेल आई डी आप सठिक रही दरकार। तापर बैंक आई एफ सी कोड जहाँकि आप गूगल सर्च माध्यम पारे। तापर कनफर्म बैंक आई एफ सी कोड देते जहाँकि आप पासबुक भी पुट होती आप कपी करेंगे। तापर आप बैंक अकाउंट नंबर जदि पिलार अकाउंट नंबर अच्छी देते चलो जदि पिलार अकाउंट नंबर ना तो पेरेन्ट्स अकाउंट नंबर दि जापर। तापर आप बैंक अकाउंट को दुई थर एंट्री करनी कनफर्म बैंक अकाउंट नंबर में। तापर बैंक नेम आप एंट्री करेंगे जमीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपंकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा आप एमती किसी बैंक ना आप इनपुट करेंगे। सहित आप कमा पुट करके आप एड्रेस मेन्टेन करेंगे जमीक मुझे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखिकी तापर आप कमा मेंटेन करके भुवनेश्वर मेन ब्रांच आपठी लिखिदे पारि आपड़ा लिखि दिंतु जहाँकि ब्रांच आपंकर प्रकार आई एफ सी कोड भूल रुहे जदि पाखे ब्रांच नेम थी तो आई एफ सी कोड अनलाइन पाइबे मेन ब्रांच बोली आपत लिखिदे पारे। तापर आप चूज योर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स देते आइडेंटिफिकेशन आप आधार नंबर दे पारे किंवा अकाउंट नंबर मध्ये आप दे पारती आधार नंबर दे दिंतु आधार नंबर आप इनपुट करदे आधार नंबर जहाँ रही थी और कैप्चा जो पाखर आप देखुं जो लेटर टीटा आपठी पुट करेंगे। ओके आपंकर यहाँ रहा सिस्टम। तापर आप जो रही तीनो बक्स जो रही तीनो बक्स आप क्लिक करेंगे अर्थात आप सब डाटा सब जिन प्रपर्ली जानते आपठी आडमिट कले अर्थात पेरेंट्स और पिला आडमिट कले आपठी नियम और शर्तावली को आपड़ आक्सेप्ट करे। आप देखिपे कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शन रही है से रजिस्ट्रेशन उपर आप क्लिक करें। क्लिक कलापर आपको ये इंटर आपको देखो कौगुड़ी आप ठीक करुँच के नुहे
रजिस्ट्रेशन ऑप्शन क्लिक कला परे आपनको एभलो के इंटरफेस शो करिवो जेमिती की आपनकर स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी एवं एठी आपनको कोआ जाय छी ए आईडी टू को आपन नोट कर देबा पय जहा की आपनको इन फ्यूचर रे काम रे आसीबो एवं आपनकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड आपनको मोबाइल नंबर को ऑलरेडी सेट कर दिया जाय छी आपन एठी कोन करिवे ना कंटिन्यू ऑप्शन ले क्लिक करि नेबे कंटिन्यू ऑप्शन ले क्लिक कला परे आपनको ईमेल आईडी एवं आपनकर जो रही छी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड आपनकर मोबाइल नंबर देखि लॉगिन करि नेबे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंट्री कला पर आपको कैप्चा कोड दे सारापर आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर किंवा ईमेल आईडी जो रही है आपको ओटीपी जा 5 डिजिट से ओटीपी आपको एंट्री करपर अच्छे जमीक मो पाक ओटीपी आसी 9809798097 ये ओटीपी क्लिक कलापर मत कन्फर्म ओटीपी क्लिक क्लिक करवाई पड़ो कन्फर्म ओटीपी देलापर मत आपको इनवैलिड ओटीपी लिखुची मीनस यहाँ मोर बोधे काम करूना आउ गोटे ओटीपी मो पाक आसमु एंट्री कर 1111331 ओके 5 डिजिट रही कन्फर्म ओटीपी करनी कलापर ये भी देखा मत आउ गोटे ओटीपी रिसेंट ओटीपी मत क्लिक करने पड़ो मत ओटीपी जहाँ अच्छे मैं ओटीपी एंट्री कर देखिए कन्फर्म ओटीपी पर क्लिक करूँ क्लिक कलापर आपको यह इंटरफेस शो कर वेट करने पड़ो नेक्स्ट पेज आसला पर्यंत देखो फ्रेंड्स आपंकर एंट्री कलापर आप जो पासवर्ड रही है आप न्यू पासवर्ड आप एंट्री करेंगे जमीक आपंकर पासवर्ड जो रूल रही है आप देखिपे जे कि आप 8 क्यारेक्टर होगा दरकार एटलिस्ट आप अल्फाबेट आपंकर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर रहा दरकार आपंकर गोटे नंबर रहा दरकार स्पेशल क्यारेक्टर आप @ हज _ और स्टार आदि रहा आवश्यक एमती आप करें जो रही न्यू पासवर्ड आप पासवर्ड चेंज करेंगे तेणु मुझे न्यू पासवर्ड आपठी एंट्री करदे देखते फ्रेंड्स मुझे आपंकर जो रही सिस्टम टी पासवर्ड को चेंज कर देती चेंज कलापर आपठी आप्लिकेसन आई डी और आपंकर आप्लिकेसन स्टाटस आपठी शो कर जमीक आप्लिकेसन भेरीफाइड बाय स्कूल इनट्यूट कल ये आपको नो अप्सन देखा जेहतु भेरीफाइड होना और आप्लिकेसन आधार भेरीफाइड ये ये रही आप्लिकांट बैंक आकाउंट डिटेल भैलीडेट नो लिखाई सिलेक्टेड फर स्कॉलरशिप मेरी लिस्ट आपंकर नो रही स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस फर एनएसपी टू पीएमएफएस एटी नो आपंकर रही है जेहतु भेरीफिकेसन कौन सरी ना तेणु ये आपंकर नो रही तेणु आपंकर नेक्स्ट आप जब आपंकर नेक्स्ट आपत प्रोसेसिंग होती है आप फर्म आसीज ये जो नो रही जो आप स्कूल भेरीफाई कर दूसरी ईएस हो जब आप्लिकांट बैंक आकाउंट डिटेल जब भैलीडेट रही है आपंकर ईएस हो रही है आप चाहिए पासवर्ड चेंज करने निश्चित भाव पासवर्ड चेंज करें आपंकर स्टाटस जब चेक करने चाहिए निश्चित भाव स्टाटस चेक करेंगे ये आपको जो स्टाटस क्लिक कली ये मत होम रि शो कला स्टाटस मत ये आपको कौन से प्रकार ऑप्शन ही आसुना ओके मुझे देखे दूसरी आपको एप्लीकेशन फॉर्म मारिकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये रही है जमीक आपंकर एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे अर्थात एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रथम कंप्लीट करने पड़ो चलत कंप्लीट करवा एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म आपको रिलीजन चूज करने पड़ो ये आपको हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टन ये किसी रिलीजन देखे आप हिंदू कि आप्रोप्रिएट रिलीजन चूज कर रिलीजन आप चूज कलापर आपको आपंकर कम्युनिटी कैटेगरी मांग कम्युनिटी कैटेगरी आप चूज करेंगे आपंकर कौ कम्युनिटी में जाऊँ कौन ना आपठी एंट्री करेंगे आपंकर यार जाऊँच ओबीसी जाऊँच कि आपंकर कौतार जाऊँचर आप फादर नेम एंट्री करेंगे फादर नेम आपंकर जहाँ रही ओके मुझे एंट्री करदे निराकार फ्रेंड्स आप देखिपे जमीक बापा ना आपंकर इनपुट करदेली मदर नेम इनपुट कली आपंकर आनुआली फैमिली इनकम आपंकर आनुमानिक अनुजाई आप पकई पारे कि जदि आपंकर खुली इनकम सर्टिफिकेट ताकि ये एंट्री करेंगे तापर आधार नंबर मोबाइल नंबर ईमेल आई डी और डेस्क कलर हॉस्टल आपंकर डाटा ये आप पकईदे आपंकर जो तापर रही इंस्टीट्यूट डिटेल्स आपड़ा इंस्टीट्यूट आपड़ा चूज करेंगे आपंकर इंस्टीट्यूट के राज्य अच्छे आपड़ा चूज करेंगे इंस्टीट्यूट जमीक ओडिशा मुझे डिस्ट्रिक्ट ये चूज करदेवि कौ डिस्ट्रिक्ट आपंकर रही आपंकर इंस्टीट्यूट रही इंस्टीट्यूट लिस्ट मारिपारे कि आपंकर जो कोड रही डाइस कोड फॉर्मेट आपड़ डाइस कोड स्कूल डाइस कोड आप एंट्री करके स्कूल नेम पारे एंड फ्रेंड्स आप जो एंट्री करूँ ये सिलेक्शन करदे आप स्कूल को चूज कलापर चूज कलापर आपर आप एंट्री करेंगे जमीक प्रेजेंट क्लास और कोर्स आप एंट्री करेंगे आप स्कूल कौ क्लास पढ़ुंतापर आप प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट के आरंभ है सैटागुड़ी फिलअप करें ये फ्रेंड्स आप्रोप्रिएट जगह आप्रोप्रिएट आपंकर जो ऑप्शन रही है आपड़ा फिलअप करेंगे प्रॉपर्ली आप फिलअप करेंगे फिलअप कलापर आप 7 कंटिन्यू देखते 7 कंटिन्यू आप क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आपको यह इंटरफेस शो करेंगे किसी ऑप्शन आपको मांग
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଫର୍ମ ୟୁଆର୍ ସବମିଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ନୋ ସ୍କିମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 5,000 ତଳକୁ ହୋଇଥାଏ, କ୍ଷମା କରିବେ 50,000 ତଳକୁ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କପି କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଡାଟା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର କପି ଆପଣ କଲେଜ କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆପଣ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ସେଭ୍ ଏଜ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ତ